नमस्ते प्यारे दोस्तों, माताओं तथा बहनों, आज इस वेला में हम, इस सुबह की वेला में हम आपको बताएंगे कि तेल मालिश कैसे की जा सकती है। मैं हूं डॉक्टर विनोद तथा मैं आपको सिखा रहा हूं कि तेल मालिश कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि तेल मालिश का क्या लाभ है। देखो दोस्तों, जो हमारा जो बॉडी है ये मसल से बना हुआ है। सबसे पहले ये जो ब्रेन है ये एक मसल है, ओके। तो उसके बाद नीचे आ जाइए, आपका हार्ट, आपके किडनीज, आपका लीवर, आपका इंटेस्टाइन पाइप, आपका स्टोमेक पाउच, ये सब मसल है। नीचे पैर की मसल्स हैं, रिप्रोडक्शन की मसल्स हैं, आपके बाजुओं की मसल्स हैं, इवन जो हमारी शरीर में आर्टरीज हैं जिसमें खून जाता है या आता है, गंदा खून आता है, अच्छा खून जाता है, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, वो सब क्या है, मसल्स हैं, वो पाइप, तथा इनमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर खून जो हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा वीन्स हैं, इतना लंबा हाईवे है, डबल हाईवे है, अगर कहीं भी ब्लॉकेज आ जाता है ब्लड का, तो वहाँ बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तथा हार्ट अच्छा काम करे, लीवर अच्छा काम करे, आपके इंटेस्टाइन अच्छा काम करे, लेडीज में जो रिप्रोडक्शन उनका गर्भाशय है वो अच्छा काम करे, उनको नॉर्मल मासिक धर्म आए, उसके लिए क्या है कि डेली तेल मालिश करनी चाहिए। तेल मालिश से ब्लड ब्लॉकेज खत्म होता है, आपका पेन खत्म होता है, क्योंकि देखो नेचर का क्या सिस्टम है। आप देखते हो बाहर कुछ समय बाद दरख्त हिलते हैं, यानी साफ सफाई का काम चलता है, उसमें मूवमेंट होती है। ऐसे जब हम तेल मालिश करते हैं तो वही मूवमेंट करते हैं। आपने कुत्ते को देखा होगा, गाय को देखा होगा, भैंस को देखा होगा, वो हल्का सा मालिश करते हैं बॉडी को। बहुत सारे जगह पे जो हॉर्स हैं वो लेट के मालिश करते हैं बॉडी की, शेर भी मालिश करता है। तो यहीं से स्टार्ट हुआ, वो उनकी तेल मालिश नहीं होती, सूखी मालिश होती है, उससे लचक जो मसल में ज़्यादा बनती है तथा बॉडी को हर तरह की बीमारी उससे ठीक हो जाती है, क्योंकि जितना मजबूत मसल होंगी, जो वेन्स हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ भेजेंगी, क्योंकि उनका काम है। आर्टरीज में तो चलो आपका एक बिग हार्ट पंप है, उसको सपोर्ट मिल गया कि पैरों तक खून को भेजो, पर वहाँ से पैरों से ऊपर जो वेन्स हैं उसको, वो वेन्स ने धक्का लगाना है हार्ट तक, जो उसमें डस्ट है, डस्ट लेके आएंगी। इसलिए मसल्स मजबूत होंगी, तो जो मसल्स आपके जो शरीर में वॉर्म कूप है, इसमें से पसीने के माध्यम से या बीमारी बाहर निकल जाएगी, बाथरूम के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से बीमारी बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए तेल मालिश करना आवश्यक है, नेचुरोपैथी का हिस्सा है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप कुछ तेल ले लीजिए, भोजन से 2 घंटे पहले आप तेल मालिश कीजिए, नहाने से पहले तेल मालिश कीजिए, नहाने के बाद भी कर सकते हो, पर भोजन से कम 1 या 2 घंटे पहले आप तेल मालिश कीजिए। ये तेल ले लीजिए, मैंने सरसों का तेल है, हल्का सा इसमें हाथ में डाल लीजिए। सबसे पहले हम अपनी गर्दन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ की जो मसल्स हैं, ये देखो, ये जो तेल है इसमें डाल दिया, हल्का सा घुमाते रहिए, ये देखो मैं घुमा रहा हूं, इसमें क्या मूवमेंट आएगी और मजबूत हो जाएगा। अब देखिए हाथ में थोड़ा सा और ले लेता हूँ, मैं हाथों की मालिश करता हूँ।
मैंने हाथों के ले लिया, ये देखो ये आपका है, इसको घुमाइए, ये हाथ की मालिश है, जैसे क्लॉक होती है ना ऐसे घुमाना है, यहां से घुमा दिया, यहां से घुमा दिया, और ये फुल सर्कल यानी वेंस जो है वो दिल की तरफ जाए। ओके, ये आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं, इनमें मजबूती आ जाती है, हड्डी टूटती नहीं है, अगर कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है हड्डियां लोहे की तरह स्टील हो जाती हैं। हर एक मसल चाहे छोटी है उसकी तेल मालिश होनी चाहिए। ओके, अब छाती की तरफ आ जाते हैं, हमने तेल ले लिया, ये आपकी हार्ट की मसल्स हैं, नीचे नीचे धीरे धीरे चलते जाइए, घुमा लीजिए, ये पेट की मसल्स हैं, जितना इसको घुमाओगे इसकी जो इंटेस्टाइन है छोटी है वो बड़ी है उसमें लचक आएगी। पीछे खींच लीजिए पेट, यही आपके किडनी और लीवर है, वो भी मसल है उसकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये देखो ये जो आपका क्लॉक होता है ऐसे ही आपने घुमाते रहना है जैसे क्लॉक घूमती है। अब पीछे हम ले लेते हैं, मैं हल्का सा यहां घूम जाता हूं, पीछे से करते हुए आपका ये जो हाथ है आप खुद ही अपनी मालिश कर सकते हो, घुमाते जाइए। जैसे कि वो घूमती है ओके, कईयों को बैक पेन होता है उसका बैक पेन ठीक हो जाएगा। ओके, अब हम अपने टांगों की जो मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज करते हैं मसाज से, तेल मालिश से, ये ले लीजिए, हल्का सा ले लीजिए तेल, छोए भी तेल ले लीजिए, देखिए जो ऐसे घुमाते हैं देखो, यहां से दिल की तरफ आप खींचिए इसको, देखो क्लॉकवाइज घूमता है,
ऐसे दूसरे लात की भी आप कर सकते हो, जो ज्वाइंट्स हैं उनकी भी आप मालिश कर सकते हो। यहां से खींचिए और पीछे करते हुए इसको घुमाइए। ओके, यहां से इसको घुमा सकते हो। अब फेस के हम लगा देते हैं, पहले फोरहेड या सिर को ही कर लेते हैं। सिर की है, ओके। अब फोरहेड में हल्का हल्का यहां दीजिए, हर एक बॉडी के हर एक मसल में आप हल्का हल्का घुमाते जाइए। जिसको हेडेक का पेन है, माइग्रेन है, एक बार फिर शरीर की पूरी मालिश कर दीजिए। ओके दोस्तों, इस तरह से आप अपनी तेल की मालिश कर सकते हो तथा इससे आपको हल्कापन महसूस होगा तथा रात को अच्छी नींद आएगी, आपका हैप्पीनेस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी तथा कोई भी आपको बीमारी है वो डेली तेल मालिश से ठीक हो जाएगी। अगर इस वीडियो के संबंध में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए तथा मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है नोट कर लीजिए,
कॉपी तथा पेन लेकर 93-582-34-925 9356234925 तथा कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी बीमारी है, उसका आप नेचुरोपैथी इलाज कराना चाहते हो तो भी मेरा मोबाइल नंबर जिसमें आप व्हाट्सएप डाल सकते हो, एक बार फिर नोट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर जिसमें अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो 93-582-34-925 9356234925। अगर आउट ऑफ इंडिया है तो +91 लगा दीजिए आगे। तथा दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक तथा शेयर कीजिए, तथा अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ये सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की मोबाइल पे घंटी है उसको ऑन कर दीजिए, ऐसे ही नए वीडियो डेली बेस पे आते रहेंगे। तथा अब मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए। ओके, आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओ